देखो, एक सर्कल को जब हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल को हम कटिंग करने के बाद जब उसको पूरा सीधा कर देंगे तो उसको क्या मिलेगा? उसको पेरीमीटर, थोड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? परिधि। यस एक सर्कल को जब हम कटिंग करके सीधा कर देते हैं, माइनस को जब काट पोर्शन रहते हैं, उसको क्या मिलता है? उसको पेरीमीटर, मतलब परिधि। तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सर हम लोग हिंदी इंग्लिश में हम बोलते नहीं हैं पढ़े हैं। पेरीमीटर। यस सर इंग्लिश हाँ हम भी पढ़े हैं, इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं हम जानते हैं, हिंदी में पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो इंग्लिश में सब बोलते हैं पेरीमीटर, पाई डी। देखो 22/7 × 50, डायमीटर 50 कितना है? पेरीमीटर 157.14, ठीक है, यस सर डायमीटर बता दिया था, इसका पेरीमीटर हम निकल चुका है। सर जरा वीडियो पीछे करिए ना, वो डायमीटर जो लिखे थे और हाँ पेरीमीटर, हाँ तो पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हमको भी तो मालूम नहीं, हम लोग को इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर ही बोलते हैं, हिंदी में तुम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिधि। उर्दू में कुछ है टर्म? परिधि सर, परिधि परिमाप होता है। अच्छा, तो इसको हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, इसको तो तुम लोग हिंदी में परिधि बोलते हो शायद। ठीक है, देखो
जो क्वेश्चन दिखा है, देखो पहले क्या किया है, मेरे को बोला था डायमीटर 50 mm, तो हम लोग क्या किया, 25 mm डायमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। यस सर, रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो, नहीं तो हम समझ में नहीं पाएंगे तुम समझ पाए कि नहीं। सर, उसके बाद क्या किया है, देखो इसको हम लोग 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। सर क्यों किए? मेरे को तो जब हम काटिंग करेंगे, काटिंग करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इस जब इसको काट करके फोल्डिंग करेंगे, तो मेरे को तो एक एक पॉइंट कौन कौन जगह में रहेगा वो तो दिखाना चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे इसको दिखाएंगे काटिंग करके। तुम्हें जो ओआर है तुम इसको खोल कर दिखा दे रहे हैं, बट जब हम टू डायमेंशन में हम करेंगे तो इसको तो पार पॉइंट में दिखाना चाहिए। इस पॉइंट 2 नंबर पॉइंट नहीं पाएगा, 3 नंबर पॉइंट नहीं पाएगा, 4 नंबर पॉइंट नहीं पाएगा, 5 नंबर पॉइंट। सर तुमको एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना है, ठीक है। यस सर, साइक्लॉइड क्या है, सपोज एक सर्कल को हम जब खोलेंगे, मतलब मीन्स कोई रिंग है, अब रिंग मान के चलो लोहे के रिंग, इसको जब हम खोलेंगे तो खोलने के बाद दिखने कैसे लगेगा, ये होता है साइक्लॉइड, ठीक है। इस साइक्लॉइड को हम कैसे दिखाएंगे, बोलो देखो, ये सर्कल, ये सर्कल 50 mm डायमीटर, मीन्स हम जो बोले थे चूड़ी टाइप का है रिंग, यह है 50 mm डायमीटर, रोल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट विदाउट स्लिपिंग, माने मींस इसको नहीं खोल के, अभी इसको गोल करके रखा है, इसको खोला नहीं अभी तक। ड्रॉ द कार्व सर्कल आउट ए पॉइंट ऑफ पी, पॉइंट वाई पी ऑन द सर्कमफेरेंसेस, सर्कमफेरेंस एक पॉइंट पी फॉर ए वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, माने मींस सर्कल एक बार खोल के घूमने के बाद, सपोज एक पॉइंट पी पे सर्कल को घूम घूम के खोल रहे हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रेगुलेशन ऑफ सर्किल, नेम ऑफ द कार, इसको द नेम ऑफ द कार, इसको क्या बोलते हैं। अब किसी एक पॉइंट में फिक्स करके इसको स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन में बोला है, तो स्ट्रेट लाइन में इसको जब हम खोल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द कार एट ए पॉइंट 40 mm फ्रॉम द लाइन, लाइन से 40 mm ऊपर में टेंजेंट कार तुमको दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया, यस सर, देखो क्या क्या बोला है, ये सर्कल रो ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द वन रेवोल्यूशन, मीन्स इसको वन रेवोल्यूशन हम खोल रहे हैं, डायमीटर 50 mm बता दिया है। देखो ये साइक्लॉइड किसको बोलते हैं, ये साइक्लॉइड इज कार्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सर्कल विद द रोल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। जब इसको सर्कल में सर खोलते हैं किसी ऊपर, बोलो, विदाउट स्लिपिंग मतलब सर, कोई जो सर्कल को हम नहीं खोलते, स्ट्रेट लाइन में हमने नहीं खोला है, क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है कि एक सर्किल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बिना मुड़े घूम रहा है बिना मुड़े घूम रहे हैं। हाँ ये ना सर, सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। देखो जब हम देखो 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 पहले बात देखो, ये जो क्वेश्चन दिखा है, सपोज तुमको एक एग्जांपल देते हैं, बिना मुड़े नहीं, मतलब मीन्स जब इसको हम खोलते हैं धीरे धीरे करके खोल रहे हैं हम, ठीक यस सर, है, इसको हम धीरे धीरे करके खोल रहे हैं, स्लिपिंग मीन्स मतलब स्किड टाइप का होता है, स्किड पिछले, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, फिसल, हिंदी में भी दिखा रहा है फिसल, ठीक है, बट इंजीनियरिंग टर्म में तो नहीं आएगा फिसल, स्लिपिंग मीन्स। देखो एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, डी मेरा डायमीटर बढ़ा दिया 50 mm, पेरीमीटर परिधि पाई डी, कैलकुलेशन करके आया है 157.14, ओके। इसको जब कटिंग करके हम घुमाएंगे तो ये, इसीलिए इसको नाम दिया है रोलिंग सर्किल, हम बोल पता था जो जिस जिस घूम घूमते हैं इसको इसको बोलते हैं रोलिंग सर्किल। इसके बाद क्या किया, इसका डायमीटर 25 mm, रेडियस 25 mm, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है, देखो इसको हम टोटल 8 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं और 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, उसको क्या करना है, देखो हम क्या बता रहे, पेरीमीटर कितना था 157.14, तो हम पी पॉइंट से कम 157.4 सेंट्रल लाइन एक्सिस है, तो इसकी लाइन से 157.4 mm ड्रॉ किया है, उसको 7 1 से लाइन देकर पैरेलल वाली इस लाइन के साथ ए ड्रॉ करेंगे, 6 2 से कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 5 3 से ड्रॉ लाइन कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 4 से ये लाइन के साथ
एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? बोले सर पी से थ्री कनेक्ट करके? नहीं, पी से थ्री नहीं, ए तो पहले मेरा जो आया है 157.14 जो पेरीमीटर आया था उसी हिसाब से पी पॉइंट से इसको सीधा लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या करना है, 7-1 लाइन को एक साथ ज्वाइंट करके इसको लाइन खींचना है, फिर 6-2 के साथ ज्वाइंट करोगे इसको लाइन सीधा खींचना है, 5-3 के साथ ज्वाइंट करके इसके पैरेलल साथ 157 ये खींचना है लास्ट पॉइंट तक, और 4 से इसके पैरेलल इसको खींचना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। इसके बाद क्या करना है, ये जो मेन लाइन है तो जब इसको इस पॉइंट को फिक्स करके जब इसको कटिंग करके घुमाएंगे भाई, इस पॉइंट को घुमाएंगे तो मेरा एक एक जो 8 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये 8 पॉइंट तो इसी लाइन पर आ जाएगा। यस सर। तो इसीलिए क्या किया है, इसको इक्वली 8 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सर इसका लेंथ कितना है? हाँ सर, पीक लेंथ कितना है सर? इसका लेंथ कितना है? वही तो 157.14 इसको हम इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यस सर। लाइन पी को जो कट करेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना पे है? 8 भाग पे जो डिवाइड करेंगे सर, पी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना नीचे? हाँ, मींस जो इसको एक लाइन सीधा लाइन ड्रॉ किया है जिसका लेंथ है 157.14, वो नहीं सर, नीचे वाला, नीचे वाला टेंजेंट वाला सर, ये पी वाला जो कि थोड़ा तिरछा गया है नीचे। यस सर। अच्छा हाँ, ये तो तुम जब एक सीधा लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं जैसे उसी स्थिति से सर, तो 8 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे उसका लेंथ कितना कितना पे कटिंग करेंगे उसको? ए जो लाइन जब हम माउस क्लिक कर रहे हैं, यस सर, जब पहले दिन से हम बता रहे हैं जो एक लाइन को हम इक्वली 8 पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट होता है तुम लोग? इसके ऊपर कुछ कितना लोग करके लोग इसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट होता है? तू समझ मार दिया इस लाइन का, तुम इतना तक ले लिया जब एरो क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद समझ हम लिया 10 mm करके, तो 15 mm करके लेने के बाद भी देखा जी तुम्हारा 8 पार्ट में आ जा रहा है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। तुम 5 mm करके भी ले सकते हैं, 10 mm करके भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी। एक लाइन ले लिया है उसको हम इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? कोई भी ये लाइन जो हम इतना तक लिया है तुम छोटा भी ले सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एंगल से लेके इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। लास्ट पॉइंट के साथ जो लाइन ड्रॉ किया है इसके पॉइंट लास्ट लास्ट पॉइंट के साथ लगा दो, रन कर दो, उसके बाद इसके साथ पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ करो। देखो इसके साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? बोलो सर, ये लाइन नीचे क्यों खींचा है सर? ये पी पी लाइन जो नीचे आया है ये नीचे क्यों आया है? किसी लाइन को जब हम डिवाइड करना है, एक लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, एक लाइन को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे करते हैं डिवाइड? राइट, 8 से भाग देते हैं इसको, फिर उसका जितना लेंथ है उसको 8 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे जितना होगा। अब मान के चलो 157.14, तुम इसको कैसे डिवाइड करोगे स्केल में? 157.14 बाय 157.5 है, ड्रॉ करोगे? तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन को किसी भी एंगल से इसको खींचो, उसके बाद 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो पहले इसी लाइन को, ये एंगल जो थोड़ा एंगल में है ये लाइन, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है? इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद उसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट के साथ जो लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है उसी पॉइंट के साथ फिक्स करो, उसके बाद इसी लाइन के साथ जहां माउस के इसके साथ पैरेलली जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते जाओ, तो तुम्हारा 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यूट्यूब में सर्च करके देखो, ये एक लाइन को हम इक्वली 5 पार्ट 8 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यूट्यूब में सर्च करके देखो कैसे होता है, ठीक है? यस सर। देखो इसको इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड किया है, और देखो ये जो पी पॉइंट था इसका 1 पॉइंट यहीं पे जब आएगा, 2 पॉइंट यहीं पे आ जा रहा है, 3 पॉइंट, तो लास्ट में जब ये होगा तो फिक्स्ड पी पॉइंट आ जाएगा। इसको इसी पॉइंट में हम क्या किया है, एक तो सर्कल ड्रॉ किया है, तो सर्कल ड्रॉ नहीं भी कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया है, तुम सर्कल भी नहीं ड्रॉ करोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को फिक्स पकड़ के फिर एक तो सर्कल ड्रॉ किया है, क्यों? सपोज किसी भी कारण से तुम जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, तुम्हारा लाइन में थोड़ा 19-20 हो सकते हैं। जब हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे और दोनों ये फोर्थ पॉइंट में जब हम डिवाइड किया था, जब पांच पॉइंट दे देंगे, जब फोर्थ पॉइंट इस पॉइंट में आ रहा है, तो तुम्हारा ड्रॉइंग पूरा एक्यूरेट होगा। मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन टेढ़ा टाइप टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो मेन एक्सिस लाइन है, सेंट्रल लाइन है, इसी सेंट्रल लाइन के साथ ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये मेरा ये जो पॉइंट पहले से था C0 C1 C2 करके आ गया ये सेंट्रल लाइन के ऊपर, तो C8 तक मेरा हो गया, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, मेरा 25 mm जो रेडियस है इसको लेके, ये तो मेरा कटिंग पॉइंट है, जब कटिंग करेंगे तो मेरा 25 सी पॉइंट में कंपास का एक पॉइंट पॉइंट बैठा के देखो 1 और 7 जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम कटिंग करेंगे 25 mm रेडियस, ठीक है। 25 mm मेजरमेंट लेके पहले तुम सी पॉइंट में बैठा के इसको कटिंग करो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस 25 mm को मेजरमेंट जो लेंथ है उसको लेके 1 पॉइंट में बैठा के C1, देखो सेंटर पॉइंट में, यहाँ सेंटर लाइन को यहाँ पे कटिंग किया है, जहां पे माउस घुमा रहा है वहीं पे इसको कटा बैठा के 1 और 7 लाइन का जो पैरेलल लाइन है, 1 और 7 लाइन जो लाइन है, इस लाइन को हम कटिंग किया है इसी पॉइंट से। फिर क्या करेंगे, 2 पॉइंट में कटा बैठा के 6 और 2 जो लाइन गया है, ये 2 नंबर लाइन गए, इस 2 नंबर लाइन में कटिंग करेंगे। फिर 3 पॉइंट में कटा बैठा के हम 5 और 3 का जो लाइन गया है इसको इसी पॉइंट में कटिंग करेंगे, और 4 पॉइंट का हम किसी करेंगे इसी पॉइंट से कटिंग करेंगे 25 mm उसको लेंथ बने मेजरमेंट लेने का। देखो देखो 1 2 3 4 जहां पे देखो पहले क्या किया है, सी पॉइंट से इसको मेरा सेंटर पॉइंट निकल, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट निकल गया। उसके बाद क्या किया है, मेरा सी पॉइंट में कटा बैठा के इसको 1 और 7 पॉइंट में कटिंग किया, फिर सी टू पॉइंट में कटा बैठा के 6 और 2 पॉइंट में कटिंग किया, 3 पॉइंट में कटा बैठा के 5 और 3 पॉइंट में